हरदा नगर में पटाखे व्यापारियों पर सेल्स टैक्स टीम की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। इस कार्रवाई में अधिकारियों ने दस्तावेजों को देखा, इसमें लाखों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि टीम स्टॉक की गणना कर रही है, इसके आधार पर टैक्स चोरी का खुलासा होगा। आज कार्रवाई पूरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि वाणिज्य कर विभाग की 14 सदस्यीय टीम ने गुरुवार शाम 5 बजे शहर के पटाखे व्यापारी सोमेश फायर वर्क्स के सोमेश अग्रवाल और उससे जुड़ी फर्म नंदलाल रमेश चंद के प्रमुख राजेश अग्रवाल के गोडाउन दुकान समेत अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की। इसमें एक गोडाउन को भी सील किया गया है। फायरवर्क्स के जो है उस पर हमारे आयुक्त इंदौर और जॉइंट कमिश्नर भोपाल के निर्देशानुसार यहाँ पे सोमेश फायरवर्क्स और नंदलाल रमेश चंद्र पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पश्चातवर्ती कार्रवाई पर कार्रवाई की सूचना आपको प्रदान कर दी। सर कितने सदस्य टीम थी? 14 सदस्य टीम है। सर अभी तक क्या पाया गया? अभी तो शुरू किया है 5 बजे से। सर अभी सील कर दिया गया? हाँ नहीं, अभी तो चल रही है, अभी तो चल रहा है, अभी तो स्टॉक लेने का कार्य और पेपर की स्क्रूटनी ये सब होने के बाद फिर फाइनल निर्णय लेंगे।